गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज बैक काउंटिंग। यू हैव डन 50, 49, 48, 47, लाइक दिस यू विल कंप्लीट द काउंटिंग 50 फ्रॉम अप टू 1। ओके, काउंटिंग, बैक काउंटिंग फ्रॉम 50 to 1। Okay, you just complete yourself. Don't take the help of mama. Parents, please let them do. And next is, in Hindi we will do स्वर और व्यंजन आपको दिए गए हैं। स्वर या व्यंजन, उनको प्रयोग करते हुए हमें शब्द बनाने हैं। वो शब्द आप दो अक्षर वाले भी बना सकते हैं और अब तीन अक्षर वाले भी बना सकते हैं। जैसे क से कप, कमल, ठीक है। न से नल, नगर। तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक इस लाइन में हम दो अक्षर वाले शब्द बनाएं और इस लाइन में हम तीन अक्षर वाले शब्द बनाएं। और अगर किसी का नहीं भी याद आ रहा तो तीन तीन अक्षर वाले भी दोनों बना सकते हो या दो दो अक्षर वाले भी शब्द बना सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे शब्द सेम, यहाँ पे जो भी स्वर या व्यंजन दिया हुआ है उसको प्रयोग करते हुए ही बनाने हैं। जैसे कि अ से अब, अगर, ठीक है। और नेक्स्ट है आज हमारा इंग्लिश में, देयर इज अ रिविजन ऑफ राइट स्मॉल फ्रेजेस बाय सीइंग द पिक्चर्स। मैम हैज ड्रॉन सम पिक्चर्स ऑन द नोटबुक, लाइक व्हाट इज इट, कैप, एंड व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर, रेड। सो यू विल राइट अ रेड कैप। नेक्स्ट पिक्चर इज कैट, हो वेरी फैट, सो यू विल राइट अ फैट कैट। नेक्स्ट पिक्चर इज बिन, अ बिग बिन, इट इज बिग। नेक्स्ट है बिब, एंड विब इज वेट। देखिए, यू कैन सी द वॉटर ड्रॉपलेट्स आर देयर, सो यू विल राइट अ वेट बिब, अ वेट बिब। सो लाइक दिस यू विल राइट ब्यूटिफुल स्मॉल फ्रेजेस ऑन योर नोटबुक एंड सेंड द क्लिक्स इन द इवनिंग। आई होप यू विल डू इट ब्यूटिफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।